हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये आ रही है AAI की तरफ से, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रहने वाली है और यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है आप सभी के लिए मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ किस किस क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दूसरा, बात करें क्वालिफिकेशन, तो इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन स्टूडेंट एलिजिबल है। इस वैकेंसी को जल्दी से अप्लाई कर देना, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा दे रहे हैं ये लोग। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर असिस्टेंट, कई सारी आप लोग की पोस्ट रहने वाली है, सबके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और गाइज, मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा आप लोगों को ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे अच्छी वैकेंसी यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करना। देखिए, जूनियर इंजीनियर या जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप लोगों को मैक्स मिनिमम यहाँ पर स्टार्टिंग में 31,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ यह देखिए 90,000 प्लस, मतलब 92,000 तक आप लोग का सैलरी पैकेज यहाँ पर जाने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है उसके लिए जो वैकेंसी है 36,000 स्टार्टिंग में वैकेंसी यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को 1,10,000 आपको प्रोवाइड की जाएगी और काफ़ी अच्छी है, पर मंथ आप लोग को सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके माध्यम से सारी चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी, ये नोटिफिकेशन इसके मेन साइट से आ रहा है और हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे इसकी रिक्रूटमेंट साइट से जाकर। देखिए, यहाँ पर ये सभी नोटिफिकेशन है, हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। तो गाइस, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। एडवर्टाइजमेंट नंबर चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन AAI साउथर्न रीजन की तरफ से ये वैकेंसी है। गाइस, यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ये रहने वाली है और काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। देखिए, जो हमारे डोमिसाइल है तमिलनाडु के, मतलब जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पांडुचेरी और लक्षद्वीप और आइसलैंड, यहाँ के जो मेन रहने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अलग ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिलेगी। बाकी देखिए, यहाँ सबसे पहले पोस्ट का नाम दिया गया है और क्या क्या पोस्ट है ये देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, टोटल 132 यहाँ पर रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर 90,000 तक आपका सैलरी पैकेज जाएगा, 90,000 प्लस जाएगा जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए 10 वैकेंसी है और यहाँ आप लोग का 92,000 तक सैलरी पैकेज है। जूनियर सीनियर असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसीज हैं। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज वालों के लिए यहाँ पर 1,10,000 तक सैलरी पैकेज जाएगा, ये आप लोग का सैलरी पैकेज है। और हमारे जो यहाँ देखिए, सबसे पहले EWS कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, इसी तरीके से एक्स सर्विस मैन वालों के लिए भी दिया जाएगा और PWD वालों के लिए भी दिया जाएगा। ये सभी आपको दिया गया है और आप लोग ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर जो PWD वाले हैं उनके लिए एक अलग से जो है काफ़ी, मतलब रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मेल ने यहाँ पर देखिए डेट दिया गया है, स्टार्टिंग डेट इसका 1/9/2022 है। 1/9/2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पर लास्ट डेट जो दी गई है 30/9/2022 है। इसका जब भी एग्ज़ाम होगा आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा इसकी मेन वेबसाइट पर। आप लोग वहाँ से, मैं भी आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड कर दूंगी इसका नोटिफिकेशन जब भी ये हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है एज क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एज 18 से 30 रखी गई है, इस डेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC वालों के लिए, 5 साल का यहाँ आप लोगों को दिया जाएगा SC ST वालों के लिए। साथ में आपको यहाँ पर दिया जाएगा, देखिए, 3 साल अगर एक्स सर्विस मैन वगैरह उनके लिए भी यहाँ पर कई रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 10 साल का करीब, ठीक है। बाकी आप लोग की जो मेन पॉइंट की बात करें तो यहाँ हमारे जो कैंडिडेट हैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्वालिफिकेशन, जैसे जो हमारे 10th क्लास स्टूडेंट है, 10th पास है या फिर 3 ईयर का अप्रूव्ड रेगुलर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से। यहाँ मिनिमम से मिनिमम 50% होना चाहिए या फिर 12th आप लोगों ने किया होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 50% आप लोग का मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग 12th वाले भी, 10th वाले और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
जो है ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ आप लोग हैवी व्हीकल्स में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं भी है तो आप लोगों ने 1 साल पहले वाला रिन्यू करा लेना या फिर 2 महीने वाला भी, तो ये इस डेट के अकॉर्डिंग आप लोग का देखा जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों को, मतलब अगर ये हैवी व्हीकल्स वाला होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देन देखिए फिटनेस वगैरह भी देखा जाएगा, फिजिकल फिटनेस तो आप मेन और वुमेन दोनों के लिए देखा जाएगा। 6x6 की आप लोगों की यहाँ पर विदाउट जो ग्लासेस होता है वो आइज वगैरह होना चाहिए। बाकी देखिए ये आइज विदाउट यहाँ पर दिया गया है, ओके ये कलर विजन नहीं होना चाहिए, तो ये सभी आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए, ये मेन चीज़ रखी गई है। और आप लोगों की जो यहाँ पर हियरिंग, मतलब सुनने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए, बोलना अच्छा नॉर्मल आना चाहिए। हाइट वगैरह रखा गया है 167 सेंटीमीटर मेन के लिए, 157 सेंटीमीटर वुमेंस के लिए है। चेस्ट रखा गया है, देखिए चेस्ट जो है वुमेंस के लिए कुछ नहीं है, और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मेंस के लिए। वेट है 55 kg, और इसकी इसके लिए मेंस के लिए 45 kg, और इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 45 kg से वुमेंस के लिए। बाकी देखिए जूनियर असिस्टेंट, ये गाइस जूनियर इंजीनियर ही एक तरीके से होता है, इसमें ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं। टाइपिंग स्पीड 3 मतलब 30 WPM होनी चाहिए, अगर इंग्लिश भी है तो 25 WPM या हिंदी दोनों की अच्छी से आनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, जो टाइपिंग स्पीड वगैरह में। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, BCom और कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स आपको आना चाहिए, 3 साल मतलब 3 मंथ या 6 मंथ का होना चाहिए। बाकी देखिए 2 साल अगर आप लोगों ने इस पे काम किया है तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर वो मांगा जाएगा आप लोगों से एक्सपीरियंस। सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लैंग्वेज के लिए भी देखिए मास्टर डिग्री मांगी गई है, हिंदी इंग्लिश में होती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिए। ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपका है, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है, क्योंकि और गाइज यहाँ पर नॉलेज हिंदी टाइपिंग की आपको होनी चाहिए। यहाँ देखिए आप लोगों का किस तरीके से यहाँ पर सिलेबस वगैरह रहने वाला है, तो जो स्टेज 1 में आप लोग का एग्ज़ाम होगा उसमें CBT एग्ज़ाम होगा, तो ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, और आप लोगों के जो मिनिमम, देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 50 से और यहाँ पर 100 रहने वाले हैं। और देखिए सिलेबस क्या रहेगा, 50% आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से आएगा, जैसे देखिए जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस या फिर एम्पलीट्यूड इंग्लिश इन सभी से आएगा। सेकंड स्टेज में यहाँ पर देखिए बताया गया है, तो आप लोग का जब फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम हो जाएगा तो सेकंड स्टेज में जैसे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो आपका टेस्ट होगा, साथ में आप लोग का ड्राइविंग टेस्ट वगैरह हैवी व्हीकल्स का, ये सारी चीज़ें आप लोग की देखी जाएंगी। और देखिए 100 मीटर की आप लोग की रनिंग वगैरह, चेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें ही देख ली जाएंगी, तो ये आप लोग का सेकेंड आप लोग का टेस्ट वगैरह रहने वाला है। बाकी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सारा एकदम चार्ट बना के दिया है कि आप लोग की हेल्थ मतलब जो हाइट वगैरह रहनी चाहिए वो आप लोग को अच्छे से बताया गया है। तो गाइज यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और जो हमारे कैंडिडेट UROBC EWS कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 1000 है, और जो SC ST है वुमेन कैंडिडेट है या सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए देखिए यहाँ पर कहा गया है नो एप्लीकेशन फ़ीस रिक्वायर्ड, इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी जाएगी। और जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 90 रुपये फ़ीस रखी जाएगी, तो जो अदर मतलब अदर कैटेगरी से हैं वो 90 रुपीज़ कर देंगे यहाँ पर कलेक्ट। तो गाइस आप लोग को अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई का पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है, और स्टेप फर्स्ट में तो जो स्टेप फर्स्ट है उसमें देखिए किस तरीके से यहां पर साइन अप करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। स्टेप सेकेंड में इस वाली लोग जो है यहाँ पर देखिए ये क्लिक करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, इस तरीके से आप लोग को फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड करनी है, और किस साइज में करनी है, अगर अपलोड नहीं होती तो साइज भी एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी तो फॉर्म पे भी लिखा रहता है कि इतने से कम ही होना चाहिए आप लोगों का जो फोटोग्राफ वगैरह है। और जो हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें, जो हमारे कैंडिडेट डोमिसाइल है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पांडचेरी, इन सभी के स्टेट्स के ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टूडेंट की मतलब अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आप लोग का जो सेंटर रहने वाला है, देखिए सेंटर कहाँ का रहेगा, साउथर्न स्टेट में ही रहेगा, जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ पर अलग अलग स्टेट दिए गए हैं, तो जो हमारे बेंगलुरु वगैरह के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए ये आप लोगों का सेंटर रहने वाला है, अलग अलग जगह सेंटर जाएगा CBT एग्ज़ाम जब होगा। बाकी गाइस आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना और आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर मैंने काफ़ी सारी जो है अपडेट डाली हुई है, उनको ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा अपडेट देना यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं।
और मैं ऐसी ही और भी आप लोगों के लिए अपडेट लाती रहूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।